साइकिल से पूरा देश घूमने का इरादा रखने वाले आदित्य कुमार इस वक्त चलते चलते पीलीभीत आ पहुँचे हैं। आइए जानते हैं उनसे कि इस साइकिल भ्रमण के पीछे उनका क्या उद्देश्य है और क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। आदित्य जी, पीलीभीत में आपका स्वागत है। साइकिल भ्रमण आप कर रहे हैं, पूरे देश में घूमने के इरादे से निकले हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने भारत देश को यही संदेश देना चाहता हूँ। पहला तो एक मानवता का संदेश देना चाहता हूँ, दूसरा कि पर्यावरण संरक्षण हमें करना चाहिए सबको मिलजुल कर। और पीलीभीत आगे पहुँचे हैं, पीलीभीत में किस तरीके का आपको यहाँ वातावरण लगा, पीलीभीत कैसा? अभी पर्यावरण के नज़रिए से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा पर्यावरण संरक्षण है यहाँ पे, और काफ़ी पेड़ पौधे देखने को मिल रहे हैं। और अभी आज मेरा फर्स्ट डे ही है पीलीभीत में, यहाँ अब तक का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। आगे जैसे जैसे एक्सप्लोर करूँगा तो पता चलेगा कि आगे क्या है। कितने स्टेट्स में अभी तक आपकी ये साइकिल यात्रा जो है वो जा चुकी है? अभी 7 कंप्लीट हो चुके हैं और ये 8वां स्टेट है यूपी, और इसके बाद मैं पूरा इंडिया राइड करूँगा लगभग कंप्लीट। तो आदित्य जी, जहाँ आप जाते हैं वहाँ आपने बताया है कि बिना पैसे के आप ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ लोगों का क्या रिएक्शन होता है और आपको खाने का और ठहरने की क्या कुछ व्यवस्थाएँ हो पाती हैं? मोस्टली तो हमारे ठहरने की और खाने की व्यवस्था हो जाती है, काफ़ी बार कठिनाइयाँ आती है उसके बाद जाके रुकने की व्यवस्था मिलती है। उसके बाद भी कई बार होता है कि कुछ भी नहीं मिलता, ना रहने का ना खाने का ठिकाना होता है। तब हम लोग अपना ये जो कैंपिंग का सेटअप लेके चलते हैं उसी में हम लोग अपना रहना खाना पीना सब जुगाड़ कर लेते हैं। तो ये थे आदित्य जी, जो पर्यावरण संरक्षण और ह्यूमैनिटी के संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए साइकिल से पूरे देश की यात्रा पर बिना पैसों के निकले हैं। आदि जी को उनकी यात्रा के लिए लाइव इंडिया न्यूज़ की ओर से शुभकामनाएं।